गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आई विल टीच यू फिजिक्स इन दिस वीडियो। माय टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। हिंदी मीनिंग आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई भी कैपेसिटर होता है तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको बताना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, कोई भी कैपेसिटर है, पहले हिंदी मीनिंग समझ लीजिए उसका, उसको हमें चार्ज करना है। तो संधारित्र जो होता है, कैपेसिटर जो होता है, उसको आवेशित करने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क किया जाता है, आवेशित चालक संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाहर स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इंग्लिश मीनिंग में देखेंगे आप, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। मतलब कि कोई भी कैपेसिटर है, उसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने में जो वर्क डन होगा ड्यू टू बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द इट्स पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कर रहे हैं कि कैपेसिटर है, लेट अस सपोज ए कैपेसिटर जिसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है। अब हमने उसको क्यू चार्ज दिया है, आफ्टर गिविंग ए चार्ज क्यू, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज वी। इसका मतलब जब हम कैपेसिटर को, संधारित्र को क्यू आवेश देते हैं, तो इसकी प्लेटों के बीच जो पीडी होता है, जिसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वो आपका वी हो जाता है। देन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वोल्ट। देखिए, कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी आपका कंडक्टर है, उसको हम एक साथ टोटल चार्ज नहीं दे सकते। चार्ज देते हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में देते हैं। तो अब इसके बाद में V इक्वल टू क्यू अपॉन सी वोल्ट, अतः संधारित्र को अति अल्प आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य, अतः संधारित्र को, संधारित्र बोले तो कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर को स्मॉल चार्ज डी क्यू देने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य। हम वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होगा वो वर्क? डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर गिविंग ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू फॉर ए कैपेसिटर इज गिवन बाय डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी नो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, पुट द वैल्यू वी क्यू अपॉन सी, हेंस और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू जू। अब हम टोटल अमाउंट क्यू देंगे, अतः कैपेसिटर को जीरो से क्यू चार्ज देने में किया गया टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट जीरो टू क्यू
क्यू अपॉन सी और डी क्यू, दैट इज अ इंटीग्रेशन, इट्स लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज क्यू. वी नो और डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन सी, हियर वन अपॉन सी इज कॉन्स्टेंट, जीरो टू क्यू और क्यू डी क्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, हेंस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू क्यू. और डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ सी, पुट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, देयरफोर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, देयरफोर यू इज इक्वल टू यू इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी जूल. बट वी नो बट क्यू इज इक्वल टू सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी, देयरफोर यू इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर अपॉन और यू इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला तो द पोटेंशियल कैनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, इसका हिंदी मीनिंग होगा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का मतलब आवेशी संधारित्र का, आवेशी संधारित्र का, आवेशी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व. एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, आवेशी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डेफिनेशन पहले हिंदी में देखें आप. एकांक आयतन में, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है. क्या कहना चाहता है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में जितनी एनर्जी स्टोर रहती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर. इंग्लिश में इसको देख सकते हैं द एनर्जी स्टोरेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू
प्लेट्स एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इट डिनोटेड बाय स्मॉल ई, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। बिलो वी नो द कैपेसिटेंस द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन एज, जो कि आपका समांतर प्लेट संधारित होता है उसकी जो वैद्युत धारिता है वो हम कैसे देते हैं, C = K ε0 A/T। हेयर K इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, A इज द प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर, D सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बट U = ½ CV² इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, बट और V = ED, हेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देयरफॉर U = ½ value of C ε0 A/D E² D² जूल। दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट। बाय द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, U = small U = टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वी नो टोटल एनर्जी ½ CV² को जो हमने फॉर्म में दिया है उसको लेके चलेंगे। टोटल एनर्जी = ½ K ε0 A E² D जो डी कैंसिल हियर अपॉन AD। AD इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, है प्लेट का सेपरेशन D है और ये इसका सरफेस एरिया A है, देन द वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स इज AD और small U = 1/K ε0 E². दिस इज ए रिक्वायर्ड फॉर्मूला। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। हेयर 1/2 K ε0 इज कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से U = E²। U = energy density is proportional to
स्क्वायर हेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दैट इज द रिक्वायरमेंट।